गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ध्रुव झा। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के रोचक इतिहास के बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया। मुगल साम्राज्य एक काफी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। मुगल वंश का शासन भारत के मध्ययुगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मुगल कालीन भारत में ही कला, शिल्प कला का विकास हुआ। भारत में ज्यादातर खूबसूरत एवं ऐतिहासिक इमारतें मुगल काल के समय में ही बनाई गई थी। इन इमारतों में सांची के स्तूप, आगरा में स्थित दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर खजवारों के मंदिर, तंजौर की अद्भुत मूर्ति कला, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड, बीजापुर का गोल गुंबद आदि शामिल है। आज आइए हम लोग जानते हैं मुगल वंश के इतिहास के बारे में कुछ उसकी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले साम्राज्य वंश का नाम जो है मुगल वंश था। इसका प्रमुख सत्ता केंद्र का जो स्थान था वो दिल्ली, औरंगाबाद और आगरा था। इसमें प्रमुख शक्तिशाली जो शासक हुए उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि हैं। इस शासन काल में जो है कला से जुड़ी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके अंतर्गत ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बीवी का मकबरा, लाहौर मस्जिद, मोती मस्जिद, तख्त ए ताऊस इत्यादि हैं। इनके प्रथम शासक बाबर थे और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। साम्राज्य का कुल शासन काल लगभग 331 साल का रहा, जिसमें बाबर जो है 30 अप्रैल 1526 से दिसंबर 1530 तक रहा। उसके बाद हुमायूं 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक रहा। उसके बाद अकबर की बारी आई। अकबर का शासनकाल 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक था। वही बात अगर जहांगीर की करें तो जहांगीर 27 अक्टूबर 1605 से लेकर के 8 नवंबर 1627 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शाहजहां जो कि 8 नवंबर 1627 ईस्वी से 31 जुलाई 1658 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद औरंगजेब जिसकी सत्ता 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक चला। उसके बाद बहादुर शाह जफर 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 था। उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय इत्यादि थे। बहादुर शाह द्वितीय जो कि 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 के बीच थे और यही लास्ट थे। जैसा कि पहले ही हम बताए थे कि भारत में साल 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। तो बाबर के बारे में एक नजर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदिजान जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है वहां हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा जो कि फरगना राज्य के शासक थे। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानुम था।
इनकी पत्नियां आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार आगा बेगम, मुबारका यूरूफ जाई, उसके बाद सहिला सुल्तान बेगम, हज्जा गुलनार अघाचा, नाजगुल अघाचा और बेगा बेगम, इतनी पत्नियां थी। उसके बाद पुत्र पुत्रिया में हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम इत्यादि थे। इनका शासनकाल सन 1526 से 1530 ईस्वी के बीच रहा। इनके द्वारा निर्माण किया गया जो कुछ भवन है, कुछ मस्जिद हैं, जैसे कि काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान, और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेड़ा को अपने कब्जे में कर लिया था। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गांजी की उपाधि धारण कर ली थी। 1659 ईस्वी में बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से हार की धूल चटाई। मुगल शासक एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बेहद दयालु था, जिसे उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। आपको बता दें कि बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का पितामह भी माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। उसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं, इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इनके पिता बाबर, माता महम बेगम था। इनका शासनकाल 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 और उसके बाद 22 फरवरी 1555 से लेकर के 27 जनवरी 1556 तक रहा। इनके उत्तराधिकारी अकबर थे। उसके बाद मृत्यु 27 जनवरी सन 1555 ईस्वी में दिल्ली में हो गई। मुगल सम्राट हुमायूं का दूसरा मुगल शासक था, जो कि 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। करीब 15 साल के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन संभाला था। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर द महान, इनका पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। इनके पिता हुमायूं और माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा था। शासनकाल जो था इनका वो 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक था। इनके उत्तराधिकारी जहांगीर थे। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हो गई, जो कि आगरा में पड़ता है। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठे थे। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक बनाया गया था। इसीलिए कुछ समय तक उनके पिता के मंत्री बैरम खान उनके संरक्षण रहे थे। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासन के दौरान
आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तु शिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। अकबर दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उसमें नंबर वन बीरबल, नंबर दो अबुल फजल, नंबर तीन मानसिंह, नंबर चार भगवान दास, नंबर पाँच तानसेन, नंबर छः फैजी, नंबर सात अब्दुल रहीम खान खाना, नंबर आठ मुल्ला दो प्याजा, नंबर नौ टोडरमल। यही इनके समय में नवरत्न कहलाते थे। मुगल शासक जहांगीर, इसके बाद जहांगीर का नाम आता है, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। इनका पूरा नाम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर है। इनका जन्म 30 अगस्त सन 1569 में फतेहपुर सिकरी में हुआ। इनके पिता का नाम अकबर, माता का नाम मरियम उज जमानी था। इनका विवाह नूरजहां मानभवती और मानमती से हुई। इनका शासनकाल सन 15 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627 तक रहा। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के शासक बने। वह अपनी शान और शौकत के लिए काफी मशहूर था। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का किश्वर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन उसके शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि शामिल नहीं है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उसके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वही इस युद्ध में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर चित्रकला का गूढ़ प्रेमी था, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे किए थे। उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर के उनके बेटे शाहजहां से भी रिश्ते अच्छे नहीं थे, हालांकि उनकी मौत के बाद शाहजहां को उनके उत्तराधिकारी बने थे। उसके बाद आता है मुगल शासक शाहजहां का नाम, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी के बीच रहा। शाहजहां का पूरा नाम मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई जोधाबाई उर्फ जोधाबाई था। इनका विवाह अर्जुमंद बानो जो मुमताज थी उनसे हुआ। शासनकाल इनका 8 नवंबर 1627 से 2 अगस्त 1658 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा निर्माण किए गए ताजमहल, लाल किला जो कि दिल्ली में है, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली। इनकी उपाधि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी शाहजहां जहांगीर के द्वारा प्रदत्त था। मुगल शासक शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे, जिन्हें पड़ोसी राज्यों के लोग अपनी विदेश नीति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसीलिए शाहजहां के युद्ध को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किला में बंदी बना लिया गया था। इसके बाद 1666 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद आते हैं मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी था। इनका जन्म 4 नवंबर सन 1618 ईस्वी में दाहोद जो कि गुजरात में पड़ता है वहां हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल। इनका जो शासनकाल था वो 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक था।
इनके द्वारा निर्माण किया गया जो है वो लाहौर की बादशाही मस्जिद जो कि 1674 ईस्वी में बीबी का मकबरा और औरंगाबाद उसके मोती मस्जिद इत्यादि थे। इनकी जो उपाधि थी वो औरंगजेब आलमगीर की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था जिसने भारत पर साल 1658 ईस्वी से 1707 तक करीब आधी सदी 49 साल तक अपना कब्जा जमाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था जिसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर उनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयां जीती लेकिन उसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से हार का सामना करना पड़ा था। उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम जिनका कार्यकाल 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 तक था। बहादुर शाह का पूरा नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम है। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर मुगल साम्राज्य में हुआ। इनके पिता का नाम औरंगजेब, माता का नाम रहमतुन्निस बेगम उर्फ नवाब बाई थी। इनका शासनकाल 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 तक था। इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1961 को लाहौर में हो गया। बहादुर शाह प्रथम महान मुगल सम्राट भारत पर शासन करने वाला भारत का 8वां मुगल शासक था जिसने भारत पर सिर्फ 5 साल शासन किया। उसने अपने शासनकाल में अपने सहयोगियों को कई नई उपाधियां एवं ऊंचे दर्जे प्रदान किए। हालांकि बहादुर शाह के शासन के समय उसके दरबार में षड्यंत्रों के कारण 2 दल बन गए थे जिसमें ईरानी दल शिया मत को मानने वाले व्यक्ति थे जबकि तुरानी दल सुन्नी मत के समर्थक थे। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ संधि की नीति अपनाई थी। इसके साथ ही उसने मराठाओं के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश भी की थी जो मुगल वंश के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इस तरह बहादुर शाह की नीतियों ने मुगल वंश के पतन का कारण बनी। उसके बाद जहांदार शाह, इनका कार्यकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक था। जहांदार शाह का पूरा नाम मिर्जा मुइजुद्दीन बेग मोहम्मद खान जहांदार शाह बहादुर था। इनका जन्म 9 मई 1661 ईस्वी को डक्कन जो कि मुगल साम्राज्य में था उस समय वहां हुआ था। इनके पिता का नाम बहादुर शाह प्रथम, इनकी मृत्यु दिल्ली में 1713 ईस्वी में हो गई। जहांदार शाह के पिता बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए सभी भाइयों में काफी संघर्ष हुआ। इस भीषण संघर्ष में उसके 3 भाइयों की मौत हो गई जिसके बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। जहांदार शाह ने बेहद कम समय तक ही शासन किया। ऐसा माना जाता है कि वह अपने प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां जिसने उसे मुगल सत्ता दिलवाने में उसकी मदद की थी उनके हाथों की कठपुतली था। उसके शासन के सभी महत्वपूर्ण फैसले जुल्फिकार खां लेता था। उसकी विफल नीतियों के चलते धीमे धीमे मुगल वंश की नींव कमजोर होती चली गई और बाद में यही मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण बनी। उसके बाद फर्रुख शियर, इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक था। फर्रुख शियर का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुख शियर था। इनका जन्म 20 अगस्त 1685 को औरंगाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1719 को दिल्ली में हुई। इनके माता पिता साहिबान इस्वान अजीम उस्वान था। 1713 में मुगल वंश का शासक बनने के बाद ही फर्रुख शियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। इसके साथ ही उसके ही शासन में सिख नेता बंदा सिंह को उसके 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया था और बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 1717 में फर्रुख शियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जिसके बाद से ही अंग्रेज भारत में मजबूती से पैर जमाने लगे थे।
जबकि दूसरी तरफ मुगल वंश पतन के मुहाने पर खड़ा था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। इनका कार्यकाल, मोहम्मद शाह का कार्यकाल 27 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1748 तक था। मोहम्मद शाह का पूरा नाम अबू अल फतह रोशन अख्तर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। इनके माता का नाम कुदसिया बेगम, पिता का नाम अख्तर जहान शाह था। इनकी पत्नियां बादशाह बेगम मल्लिकाउज जमानी उधमबाई थी। इनके बच्चे अहमद शाह बहादुर। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें नाच गाने का भी काफी शौक था। मोहम्मद शाह के शासन काल में साल 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली में लूटपाट मचाई थी। मोहम्मद शाह के शासन काल के समय कई विदेशी शक्तियों ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे, जिससे मुगल वंश का पतन होना तय हो गया था। इस तरह मोहम्मद शाह मुगल वंश के कमजोर शासक के रूप में उभरे। उसके बाद नाम आता है अहमद शाह बहादुर का। इनका कार्यकाल 26 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 तक रहा। मुगल संतुलन पर करीब 6 साल तक अहमद शाह बहादुर ने शासन किया था। उसके शासन काल में राज्य का कामकाज महिलाओं और हिजड़ों के गिरोह के हाथों में था। अहमद शाह बहादुर एक अयोग्य एवं अय्याश शासक था, जिसमें प्रशासनिक क्षमता न होने के बराबर थी। उसकी मूर्खतापूर्ण फैसलों से न सिर्फ मुगल अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई, बल्कि भारत पर अफगान हमलों का खतरा भी बढ़ गया। उसके बाद नाम आता है आलमगीर द्वितीय का। इनका शासनकाल 2 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक था। आलमगीर द्वितीय का पूरा नाम अजीज अद्दीन आलमगीर द्वितीय था। इनका जन्म 6 जून 1699 में मुल्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम जहांदार शाह था। इनका शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा। इनकी मृत्यु 29 नवंबर 1759 को कोटला फतेह शाह, जो कि मुगल साम्राज्य में था, वहां पर हो गई। बहादुर अहमद शाह को गद्दी से निष्कासित करने के बाद आलमगीर द्वितीय मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। यह एक कमजोर प्रशासक था, जिसे सत्ता चलाने का कोई खासा अनुभव नहीं था। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क के इशारों पर काम करता था। हालांकि 1759 में उसकी वजीर गाजीउद्दीन ने ही उसकी हत्या करवा दी थी। आलमगीर द्वितीय के शासन में ही 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने चौथी बार भारत में आक्रमण किया था और दिल्ली में काफी लूटपाट की थी। सिंध पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही साल 1758 ईस्वी में मराठों ने दिल्ली पर चढ़ाई की। वही आलमगीर द्वितीय इन सभी घटनाओं को मुखदर्शक बनकर देखता रहा। इससे पहले 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद से भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती चली गई और मुगल पतन के मुहाने पर पहुंच गए। उसके बाद नंबर आता है शाह आलम द्वितीय का। इनका कार्यकाल 24 दिसंबर 1759 से 19 नवंबर 1806 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय का पूरा नाम अब्दुल्लाह जलाल उद्दीन अब्दुल मुजफ्फर हमउद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह ए आलम द्वितीय था। इनका जन्म 25 जून 1728 शाहजहानाबाद में हुआ था। इनका नाम एक बार फिर दोहरा दें, बहुत लंबा नाम है। शाह आलम द्वितीय का पूरा नाम अब्दुल्लाह जलाल उद्दीन अब्दुल मुजफ्फर हमउद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह ए आलम द्वितीय है। इनका जन्म 25 जून 1728 को शाहजहानाबाद में हुआ था, जो कि उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इनके पिता का नाम जीनत महल और माता का नाम आलमगीर द्वितीय था। इनका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी के बीच रहा। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1806 को हो गई। शाह आलम द्वितीय 1759 में आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा था। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली थी और इस संधि के मुताबिक वह ईस्ट इंडिया कंपनी से मिली पेंशन पर अपना जीवन यापन करता था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। ऐसा माना जाता है कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे संकटग्रस्त काल रहा है।
इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी और मुगलों की शक्ति पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। उसके बाद नाम आता है अकबर शाह द्वितीय की। अकबर शाह द्वितीय, इनका शासन काल 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक रहा। अकबर शाह द्वितीय का पूरा नाम अबू नासिर मुइन उद्दीन मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय था। इनका जन्म 22 अप्रैल 1760 में मुकंदपुर, जो कि उस समय में मुगल साम्राज्य में ही था, वहां हुआ। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1837 को दिल्ली में हो गई। इनकी माता का नाम कदसिया बेगल था और इनके पिता का नाम शाह आलम द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय मुगल वंश का 18वां सम्राट था, जिसने करीब 31 साल मुगल सत्ता पर राज किया था। हालांकि उसके शासन काल में मुगल काल का सबसे कठिन दौर चल रहा था। उस समय मुगल पूरी तरह कमजोर पड़ गए थे एवं उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। अकबर शाह द्वितीय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपना गुजर बसर कर रहा था और वह, ये समझिए ना, महज नाम मात्र का शासक था। उसके बाद नाम आता है बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर, इनका कार्यकाल 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 तक रहा। बहादुर शाह जफर का पूरा नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर है। इनके अन्य नाम बहादुर शाह द्वितीय है। इनका जन्म 24 अक्टूबर सन 1775 को दिल्ली में हुआ। इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हो गई थी, जो कि बर्मा में पड़ता है। इनकी माता का नाम लालबाई, इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। इनका शासन काल 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 तक रहा। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक अपना शासन किया। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अपने शासन काल में उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी, वह अंग्रेजों पर आश्रित थे। 1857 में अंग्रेजों से हार के बाद उन्हें म्यांमार में भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ सदियों तक भारत पर राज कर चुके मुगलों का भी अंत हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इसमें एक और चीज है जो देखने वाली चीज है, इसके वंशावली, जिसका हम अभी आपको पीडीएफ भी इसी वीडियो में आपको दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर जो है, जिसमें जहीरुद्दीन बाबर है, तो उससे यह बाद में इस पर चर्चा करेंगे।